सुबह ही लॉन्च हुआ है लूना 25। वो स्टॉकनी कॉस्मोड्रोम से जो कि फार ईस्ट रशिया में स्थित है, सुबह 4:40 के निकला ये लूना 25 अब लगभग 70,000 सुपर किलोमीटर क्रॉस कर चुका है। दोस्तों 5 दिन के अंदर ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी खतरनाक होगी। ना इसने ऑर्बिट में चक्कर मारा, ना ही ज्यादा वेट किया, सीधे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ चला है और सीधे इस हाईवे से पहुंच जाएगा चंद्रमा की लूनर ऑर्बिट तक। तो आखिर ये गति इसे मिली कैसे? आखिर ये इतना सटीकता के साथ इतनी तेज गति के बावजूद अपनी राह से भटका नहीं और लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी की ओर कैसे बढ़ गया? ऐसा कौन सा ताकतवर रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया रशिया ने जो भारत के पास नहीं था? कितना फ्यूल डाल दिया जिसके चलते ये इतनी तेज गति पकड़ने में कामयाब हुआ? और एक दोस्तों दरअसल ये कमाल है सोयुज 2.1B रॉकेट में लगे एक और एड ऑन का, एक और स्टेज का। देखिए दोस्तों, कोई भी रॉकेट जिस पर सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट लगाकर भेजे जाते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। धरती की ग्रेविटी धरती की सतह के पास सबसे ज्यादा और ऊपर जाते जाते धीरे धीरे उसका जो पावर वो कम होता जाता है। तो अलग अलग ऊंचाई के लिए, अलग अलग ऑल्टीट्यूड के लिए अलग अलग पावर के फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और तो ये सारी प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जहां उतरने की बात कही जा रही है, साउथ पोल ऑफ मून बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां पर रोशनी की कमी है, काफी सारे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, उनसे बच करके उतरना बेहद मुश्किल काम है। और रशिया जो है वो सोवियत एरा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, सोवियत युग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है 1970 की, और हमारी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, हमारे पास सबसे एडवांस कैमरा वहां चक्कर काट रहा है चंद्रयान 2 के साथ जो भेजा गया था ऑर्बिटर में, और साथ में हमारे चंद्रयान 3 में भी लगा हुआ है। तो हम इसीलिए बार बार शायद वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पेपर पे बात करें तो अभी की स्थिति में ये बहुत तेज जा रहा है लूना 25, और ये चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग अचीव कर लेगा पेपर की बात करें तो। रियल में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि वहां पर स्थितियां किसी के हाथ में होती नहीं है। लैंडर को खुद डिसाइड करना पड़ता है कि स्पीड कितनी रखनी है, कौन से एंगल पे उतरना है, कहां